वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस ये कह रहे मैं किसके साथ बोल रही हूं, मुहित गोरी का दिखा रही हूं, अनार को काली दे रही है तुम तो अरे फोटो में रहे पर दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम जा रहे हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हम पुराने घर जा रहे हैं अपने, तो हम वहीं जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को रास्ता दिखाती हूँ और यहाँ पे हमारे इष्ट का मंदिर भी है, वो भी दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे है हमारे इष्ट का मंदिर, तो अभी यहाँ से ऊपर रास्ता है। तो गाइस ये हमारे इष्ट का मंदिर और यहाँ से ऊपर जाके हमारा घर, तो चलते हैं चलो। तो गाइस हम पहुँच गए हैं और यही है हमारा पुराना घर। तो अब यहाँ कोई नहीं रहता है तो इसलिए ये थोड़ा ऐसा हो गया, लेकिन हम साफ़ सफाई करते ही हैं। तो यहाँ कोई रहते थे इस वजह से कोई यहाँ साफ़ सफाई नहीं की है, तो आज हम खुद ही आए हैं। यहाँ घास वास रखते हैं, यहाँ भी घास रखते हैं, यहाँ भी घास रखते हैं, और इधर शायद पहले कोई रहते थे इस वाले में और उस वाले में। तो यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है, पहले यहाँ पे किचन जैसा था एक, वो बनाया था, तो यहाँ पे आजकल वो हटा दिया है क्योंकि कोई रहते थे यहाँ पे तो उन्होंने हटा दिया शायद। तो गाइस मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो मतलब बहुत सारी यहाँ से अंदर देखने में थोड़ा घास वास रखा था मम्मी ने, तो थोड़ा वो रखा है। यहाँ से ऊपर जाके किचन आता है हमारा, तो विशाली जड़ी थी गाइस की लिए ये इधर लाकड़ा वाकड़ा जलाया था, सांभ तो पूरन थे तो गाइस ये है हमारी पुरानी रसोई, हम यहीं रहते थे पर इसके अंदर बहुत अंधेरा हो रहा है गाइस। और उसके बाद ना यहाँ और लोग बहुत, मतलब हम नीचे शिफ्ट हो गए थे तो यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आग वाग भी जला रखी है, तो कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे आके ना एक अजीब सा मतलब वो जैसा हो रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी यादें जुड़ी है हमारी। तो गाइस थोड़ा उजाला अगर होता है तो फिर मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है पता है, तो मुझे मतलब अजीब मज़ा लग रहा है इधर को आके। तो सब चीज़ हमारा बचपन में ही बीता है, जब 5th 6th में पढ़ते थे, फिर उसके बाद हम नीचे घर में शिफ्ट हो गए थे, तो यहाँ फिर कोई नहीं रहते थे तो इस वजह से ऐसा हो गया है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग रहे यहाँ, लेकिन उन्होंने ज़्यादा वो नहीं किया है, तो इस वजह से थोड़ा हो गया, लेकिन फिर भी चलो हम सफाई करने आए तो साफ सफाई करते हैं। अभी दिखाऊँगी आप लोग को अच्छे से। तो गाइस ये मम्मी थोड़ा बोल रही है क्योंकि यहाँ पे जो बातें थी उन्होंने साफ़ सफाई नहीं की। और यह है हमारा पुराना घर, अभी ये पूरा घास घास हो रखा है ना बारिश के, उससे तो जल्दी हो जाता है आजकल, तो इस वजह से हम इसको साफ़ करने आए हैं। मैं आप लोग को छत से दिखाती हूँ, यह है हमारे छत में जाने का रास्ता, तेरे उसमें दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। और गाइस यहाँ पे लीची है, आम है, और यहाँ पे भी आम के पेड़ है गाइस बहुत ज़्यादा, और हम यहाँ पे आम खाते थे। और छत में भी ये ऐसा हुआ है, ये पता नहीं पहले इन लोगों ने लगाया होगा, आमा बूबू लोगों ने, तो ये तब से ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये तो सूखता नहीं आप लोग को पता है। और ये आगे में जो दिखा रही थी वो यही वाला है, यहाँ हम खाना वाना बनाते थे जो इसे मैंने बताया था आप लोग को। और वो है हमारा बाथरूम, लैटरिंग बाथरूम उधर है, नल भी वहीं था, हम लोग वहीं नहाते थे गाइस पहले। और ये देखो यहाँ पे भी इतना बड़ा आम का पेड़ है। और यहाँ से मैं आप लोग को अपना नया घर दिखाती हूँ गाइस, रुको। और गाइस हमारा नया घर ये वाला है जो ये येल्लो वाला दिख रहा है, जिसमें ब्लू ब्लू टी शर्ट टंगी है, ये वाला है। तो हम यहाँ से इतने ऊपर रहते हैं, और जो मैं इष्ट का मंदिर दिखा रही थी वो ये है, और मम्मी लोग कर रहे हैं इधर साफ। तो गाइस अब मैं भी करूँगी, अभी फावड़ा लेने गए हैं तो इसलिए फावड़ा नहीं लाए हैं, तो गाइस अभी साफ कर रहे हैं। तो चलो गाइस मैं भी साफ करती हूँ अब थोड़ा।
यहाँ पे करना है ये कर लिया अभी। हम यहाँ रहते थे और हम बुबू यहाँ रहते थे। तो गाइस ये कह रहे मैं किसके साथ बोल रही हूं, मुझे गोरी जा रही है तुम थे अरे फोटो में रुक गया आप रुक देना यार बोल रही है मैं तो गोरी देखी ना रही तो गाइस इनको कल मेकअप करके लाएंगे हम आज मेकअप करके आएंगे गाइस फिर दिखेंगे बोले आज ही खाली दिखेंगे तो मम्मी अंदर साफ कर रही है आप वहाँ पे रखे फिर ये वाला तो एक बार थोड़ा काम कर लेते हैं इसमें मिलते हैं ये देखो गाइस ये पता नहीं कहाँ से आया अभी चूं चूं कर रहा है इसकी मम्मी पापा पता नहीं कहाँ है तो इसको मैं छोड़ देती हूँ गाइस रुक जाओ तो गाइस ये देखो इतना छोटा सा ये सिंगल है गाइस पता है ये पता नहीं कहाँ से आया है इसके मम्मी पापा पता नहीं कहाँ है भाई बहन कहाँ है कुछ पता नहीं है अभी चूचू चूचू कर रहे हैं यहाँ पे तो मैंने अभी इसको यहाँ पे रख दिया क्योंकि मुझे काम भी करना है तो इसको क्या पता आ जाए इसकी मम्मी इसकी आवाज़ सुन के तो एक बार मैं काम करती हूँ इसको मैंने यहाँ पे रख दिया फिलहाल तो मिर्ची ऐसे घूर कर रख रही है कि वो कुंभ के मेले में घूम क्यों घूमोगा मैं उसको सेफ सेफ रख रही हूँ गाइस उसको मैं तो उसको मैंने खेत में रख दिया है पहले मैंने यहाँ पे रखा था सीढ़ियों में अब मैंने उसको खेत में रख दिया है क्योंकि इधर क्या पता हमारे पैर में आ जाए ना क्योंकि वो एक जगह नहीं रहता है तो गाइस हम साफ कर रहे थे तो इसको इसके अंदर रख रहे हैं हम अभी क्योंकि बारिश आने लग गई है ताकि ये भीगे नहीं तो हमने डोके के अंदर रख दिया है गाइस और अभी वो दोनों अपने दोस्त को बुलाने गए हैं और बारिश आने लग गई मैं कैसे दिखाऊं आप लोग को मौसम आप देख ही रहे हो तो इतना ही साफ किया है घास जो हुआ था वो उठा दिया बस ये झाड़ना है और यहाँ तो इतना वो रखा है मतलब छोड़े हुए घर कैसे हो जाते हैं ना वैसे हमारा खुद का घर कैसा हो गया है तो मम्मी अंदर साफ कर रही है इस वाली में हम लोग बाहर कर रहे थे अभी बारिश आ गई है वो दोनों तो पता नहीं घास काट रहे हैं शायद आमा और चाची तो गाइस मैं भी यहाँ पे झाड़ती हूँ तो गाइस मम्मी अंदर साफ करके आ गई है ये लोग अंदर जा रहे हैं इसलिए डांट रही है और बारिश आ गई है इसलिए हम रुक रखे हैं गाइस ये देखो बारिश आ गई है एक बार बारिश रुकती है फिर उसके बाद शुरू करते हैं इसको वहाँ पर रखें तो गाइस मम्मी ने अंदर साफ कर दिया है तो ये देखो पूरा ही मिट्टी वाला है तो मम्मी ने इसको लीप लाप के बना लिया है लेकिन गाइस यहाँ लाइट नहीं है तो इस वजह से पूरा अंधेरा दिख रहा है इसलिए मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ तो मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ बाहर से कुछ ऐसा है और ये है सीढ़ियाँ यहाँ की और यहाँ भी साफ कर दिया गाइस इधर भीतर देखी नहीं ना ला रही हूँ पूरा घर जा रहे हैं मम्मी थोड़ा इधर गली में साफ करना है तो उधर करिए हमने बाहर कर लिया बारिश भी बंद हो गई अभी तो गाइस घर जाके मिलते हैं आपसे तो इधर यहाँ यहाँ आधे आधे में साफ किया है उधर को थोड़ा घास काटा है इधर को नहीं काटा है क्योंकि बारिश आ गई थी इस वजह से अब काटने जैसा नहीं हो रहा है तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं मम्मी वहाँ पे डाली है चीला चीला जानते होंगे गेहूँ से निकलते हैं जब गेहूँ काटते हैं करते हैं उसके बाद तो गाइस अब गाइस हम पहुँच गए हैं घर घर पहुँच के कर लिया है मैंने चेंज और मैं फिर से मैंने वही पहन लिया है जो मैं हर दिन ही पहनती हूँ तो दो जोड़ी धोने हैं ये लास्ट जोड़ी है तो
घर आ गए और मौसम ऐसा हो रखा है, उस टाइम बारिश आई थी इसलिए अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाई मैं और अच्छे से सफाई भी नहीं हो पाई वहाँ। और अभी हम घर आए तो अभी रुक गई है बारिश और कुछ ऐसा मौसम हो रहा है। तो गाइस आज अभी थोड़ी बारिश आई तो गमले भी अच्छे हो रखे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो मैंने लगाए थे, आज पानी नहीं डाला है। और ये और बोलने लग गया गाइस मेरे से, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये गाइस, वहां से मुझे बोलते रहता है और मारूंगा मारूंगा बोलता है, मार खाएगा चले गया गाइस, अभी चाउमीन बनाइए कह रहे हैं मैं तेरी फोटो खींची, हाँ सही बोल रहा है। तो गाइस अभी आके चेंज करके हम अभी ठंडी हवा खाने बैठ गए हैं सीढ़ियों में, मम्मी गई है नीचे गांव कुछ काम था, और ये फूल खिलने लग गए, ये तो पहले से खिल रहे थे पर और ये वाला खिल गया, ये नहीं खिला था, और ये छोटा सा ये वाला नहीं खिला गया, ये खिलता नहीं है, ये ऐसा ही होता है, और ये वाला खिल रखा है और हम बैठ रखे हैं। मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया आज क्योंकि बारिश आ गई थी और वहाँ भी ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट है वहाँ पर बल्ब नहीं है वहाँ, तो इसलिए वहाँ उजाला कुछ नहीं था अंदर को। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को और सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तो देखो अगर आगे बनाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो यहीं पर एंड कर दूँगी। अभी हम छत पर आए तो छत पर अभी हमने कपड़े ऐसे देखे ना, मेहनत इतनी मेहनत से धोए थे गाइस, और उससे कपड़े उठाए नहीं, मैंने उसको बोला भी कि कपड़े उठा ले करके, उसने नीचे नीचे के उठाए, ऊपर छत के कपड़े नहीं उठाए थे तो वो पूरे गिर रखे थे हवे से हवा से तो उसने देखा नहीं होगा, उसने उठाया नहीं, अभी वो घूमने गई है गाइस, अभी बताती हूँ उसको मैं, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कैसे गिरे हैं हमारे कपड़े। तो गाइस कपड़े धोए थे और मौसम ख़राब हो रहा था, मैंने उसको बोला कि छत में भी हैं कपड़े करके, तो गाइस उसने कपड़े नीचे नीचे के उठाए और हम ऊपर चले गए थे, तो उसने देखो ये सारे कपड़े उड़ के ऐसे रखे हैं और वो घूमने गई है, अभी आने दो गाइस। तो गाइस मैं वीडियो अब यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि काम भी है अंदर। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि आजकल मैं बहुत टाइम से नहीं डाल रही थी, अभी डाल रही हूँ तो कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं तो थोड़ा अजीब भी लगता है कि इतनी मेहनत करो और कुछ हो नहीं होता है। तो गाइस मैं सोचती हूँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ वीडियो कंटिन्यू, तो थोड़ा वो भी है मेरी, यही प्रॉब्लम है, तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फिर और वैसे ही हो जाएगा मेरे से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ, भले रोज़ के नहीं भी डालूँ, दूसरे तीसरे दिन तो तब भी डालूँ। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तो हमारी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करें, बाय।